हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार स्टॉक लेके आया हूँ, जो चारों स्टॉक ने डेली चार्ट के ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो आप ऐसे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो जो आने वाले 1 महीने 2 महीने के लिए अच्छी रैली दिखा सकते हैं, यानी कि आप मोमेंटम का फायदा उठा सकते हो, वो भी कम रिस्क के साथ। कम रिस्क यानी कि 4 से 5% का रिस्क रहेगा। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक रखते हो तो ये स्टॉक में आराम से 1 महीने में 20 से 25% की रैली दिखा सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। अगर आप जॉब करते हो तो आप ऐसे स्टॉक ले सकते हो। तो गाइज, उससे पहले अगर मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कल मैंने सैटरडे को क्रिसमस के दिन 3 स्टॉक दिए थे जो 3 से 12 महीने के लिए वीकली चार्ट के ऊपर दिए थे। बहुत अच्छे स्टॉक है। इसमें रिटर्न है 1x का रिटर्न है। इसमें रिस्क होता है 10 से 15% का होता है और ये वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस है। तो अगर आपने वीडियो देखा नहीं तो जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे स्टॉक होते हैं। तो उसके अलावा भी मैं अलग अलग स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करता रहता हूँ, इंट्राडे के कॉल्स भी देता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको हर तरह के ट्रेड मिलते रहेंगे। और ट्विटर को फॉलो करोगे तो उसमें मैं लाइव मार्केट में भी ट्रेडिंग देता रहता हूँ। कोई भी होता है स्टॉक का मोमेंटम ब्रेकआउट होता है तो वो भी देता रहता हूँ। तो ट्विटर और टेलीग्राम फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी 4 स्टॉक बताऊंगा जो डेली चार्ट के ऊपर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो बहुत अच्छे स्टॉक है। तो उसमें अपने पहला स्टॉक का नाम रहेगा कोठारी पेट्रोकेमिकल। तो ये अपने डेली चार्ट के ऊपर है गाइज। आप देखोगे तो ध्यान से स्टॉक ने क्या किया है, यहाँ पे देखोगे अगस्त महीने में ये लेवल बनाया था 65 का लेवल। उसके बाद स्टॉक ने देखो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। ये कैंडल देखोगे थर्सडे की कैंडल, अच्छे वॉल्यूम के साथ उसके ऊपर क्लोज भी दिया है। तो वो मोमेंटम स्टॉक है। तो और देखो वॉल्यूम देखो कितने अच्छे से है। तो डेली चार्ट के ऊपर स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन अपने क्या करेंगे अभी अभी अपने को एंट्री करनी है, क्योंकि अपने ए लेवल पे तो एंट्री की नहीं थी। तो अभी एंट्री करनी है तो आपको ए लेवल पे एंट्री नहीं करनी, अभी अपने दूसरा कंफर्मेशन चाहिए कि इसके ऊपर भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कभी कभी क्या होता है फॉल्स ब्रेकआउट होता है, स्टॉक नीचे आ जाता है। तो अपने को 2 कन्फर्मेशन चाहिए। अगर स्टॉक अच्छा होगा, समझो कि ये स्टॉक को 100 रुपीज़ जाना है तो उसको ए लेवल तो क्रॉस करके जाना ही पड़ेगा, इसके बिना वो कैसे जाएगा, सीधा गैप अप 100 रुपीज़ पे तो ओपन नहीं होगा। तो अपने क्या करेंगे इसमें, अगर स्टॉक अच्छा होगा और इसके ऊपर जा रहा है तो अपने नेक्स्ट वीक में आप ये अपने वॉचलिस्ट में लगा सकते हो इस स्टॉक को, कोठारी पेट्रोकेमिकल। देखो स्टॉक का नाम और इसका यहाँ पे है कोठारी पेट्रोकेमिकल। तो आप इस स्टॉक को लगा सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर जाएगा तो अपने बाय करेंगे, नेक्स्ट वीक अपने वॉचलिस्ट में लगा के रखो। तो वॉल्यूम ब्रेकआउट भी अच्छा है, स्टॉक भी अच्छा है, बाय एबो 71.5 यानी कि उसका जो ये हाई था उसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। इसमें रिस्क देखो कितना 66.5 का है और टारगेट रहेगा वो देखो कि टारगेट कितना है, 90 और 100 का टारगेट है, यानी 71 वाला स्टॉक है आपको आराम से 30% का रिटर्न भी दे सकता है और उसके बाद भी दे सकता है अगर आप अच्छे से मतलब ट्रेल स्टॉप लॉस करते हो। मैं बोल रहा हूँ कि 1 महीने के लिए रैली दे रहा है तो इसका जरूरी नहीं कि 1 महीने बाद वो स्टॉक नीचे आ जाएगा, मे बी उसके बाद थोड़ा साइडवेज जाए, उसके बाद नया ब्रेकआउट हाई बना के ऊपर भी चला जाए। तो ये मल्टीबैगर स्टॉक भी आप बोल सकते हो, यानी कि आपको एक ही कैंडल का रिस्क है लेकिन आपको सामने मल्टीपल कैंडल मिलेगी, जब ऊपर न्यू हाई बनाएगा तो मल्टीपल कैंडल का रिवॉर्ड मिलेगा। और इसका टाइम पीरियड मैंने बताया, टारगेट है 1 से 30 दिन का टाइम पीरियड है, वो 100 रुपीज़ का है। उसके बाद भी स्टॉक अच्छा होगा तो मोमेंटम आप ट्रेल स्टॉप लॉस, जैसे कि 90 टारगेट आया तो आप यहाँ से क्या करोगे, समझो आपके बाइंग प्राइस 72 है तो आप स्टॉप ट्रेल करके आपका 80 पे लगा दो। उसके बाद 100 रुपये ऊपर जाता है, मतलब 10 रुपये ऊपर जाता है, 100 रुपीज़ पे आता है तो आप 90 पे ट्रेल करो। ऐसे करके भी आप अच्छा रैली का फ़ायदा उठा सकते हो। तो पहला स्टॉक का नाम है कोठारी पेट्रोकेमिकल। अभी दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है रेडिको खैतान। ये मैंने थर्सडे को शाम को दिया था ब्रेकआउट स्टॉक के ऊपर और अच्छे से ब्रेकआउट भी दिया था। देखो 1215 के ऊपर बोला था, 1234 स्टॉक गया था। तो ये स्टॉक को भी आप अपने वॉचलिस्ट में लगा सकते हो, ये स्टॉक को भी अपने बाय करेंगे देखो, क्योंकि उसने ऑलरेडी ब्रेकआउट तो दे दिया है लेकिन स्टॉक ने क्लोजिंग कहाँ पे दिया है, जो उसका 1215 का हाई था मतलब प्रीवियस, उसके नीचे 1198 पे क्लोजिंग दिया है। यानी मे बी अपने को श्योर नहीं कि ये ब्रेकआउट कन्फर्म है कि नहीं है, मे बी स्टॉक यहाँ से रिवर्स भी आ सकता है तो अपने को लॉस आ सकता है। इसीलिए आपको ये स्टॉक को अभी CMP पे तो बाय नहीं करना, लेकिन अगर ये हाई ब्रेक करेगा, अगर ब्रेकआउट सही होगा तो स्टॉक को ये हाई ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हाई ब्रेक करेगा तब अपने इसको बाय करेंगे और रिस्क रहेगा बहुत कम है, 3% जितना ही रिस्क रहेगा। तो उसमें वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छे से है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा है तो अपने इस स्टॉक पे भरोसा कर सकते हैं। तो बाय आपको कब करना है, सिर्फ बाय अबो 1235 पे करना है।
यानी कि आपको मंडे को वो लेवल आए, ट्यूसडे को कभी भी लेवल आए तो आप इसको बाय कर सकते हो। 1235 आपके दिमाग में होना चाहिए कि 1235 36 ट्रेड करेगा तो मैं एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस रहेगा वो 1200 का, यानी देखो 3% का रिस्क है। लेकिन आपको सामने टारगेट देखो कितना मिल रहा है, 1270 और 1300 का टारगेट मिल रहा है, वो भी 130 दिन के लिए मैं बोल रहा हूँ। स्टॉक बहुत मल्टीबैगर ही है, समझो आप मेरी बात। अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर भी जाता है ट्रेल स्टॉप लॉस भी कर सकते हो, जैसे कि 1300 आ गया तो आप क्या करोगे, 1235 है तो 1250 या 60 का टारगेट लेके उसको ट्रेल कर सकते हो। फिर जैसे 1350 गया तो आप उसको 1300 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ऐसे भी अच्छे से रैली का फायदा उठा सकते हो। तो स्टॉक का नाम रहेगा रेडिको, यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हो आप, स्टॉक का नाम है रेडिको, उसमें बाय कर सकते हो, 1 से 30 दिन में अच्छी रैली दिखा सकता है। तो ये दूसरा स्टॉक हो गया। अभी मैं तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है काबरा एक्सट्रूशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो काबरा एक्सट्रूशन लिमिटेड स्टॉक का नाम है, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट है। देखो डेली चार्ट के ऊपर है, डेली चार्ट के ऊपर है। देखो स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फाइनली ब्रेकआउट दिया, लेकिन रिटेस्ट करके यहाँ पे घूम रहा है, यानी उसका प्रीवियस जो था सप्लाई जोन वहाँ पे घूम रहा है। तो स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है, अपने को कैसे पता कि ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम देखोगे आप, देखो वॉल्यूम भी अच्छे से है, यानी ब्रेकआउट में जब वॉल्यूम होता है तो वो कंफर्म हो जाता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है, भले 1-2 दिन नीचे आए, जैसे कि देखो ब्रेकआउट हुआ फिर स्टॉक नीचे आया, लेकिन स्टॉक अच्छा अगर ब्रेकआउट होगा तो अपने ये डेली कैंडल के हाई के ऊपर अपने बाय करेंगे। अगर कल स्टॉक कभी भी नेक्स्ट वीक में ये लेवल तोड़ता है तो ऊपर अच्छी से रैली दिखा सकता है, तो ये स्टॉक को अपने बाय करेंगे, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट है, गुड वॉल्यूम एट ब्रेकआउट है, तो बाय अबो 371, 371 पे आपको बाय करना है, 355 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट देखो कितना अच्छा है, 400 और 450 का टारगेट है, वो भी 1 से 30 दिन के लिए है, अगर उससे भी ज़्यादा आप होल्ड करते हो तो अच्छा रिटर्न आ सकता है। और साथों साथ इसमें देखो ADX भी अच्छे से राइज कर रहा है, 41 है, यानी ADX 25 के ऊपर होता है तो वो अच्छे से स्टॉक ऊपर रैली करता है। एक महीना तो मैं लिख के देता हूँ आपको, आराम से इसमें 450 का टारगेट तो आएगा ही आएगा। तो गाइज ये स्टॉक मार्केट में कैसा होता है कि रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर ही है, मैंने चार स्टॉक आपको बताया, चलो चार में से 2 सही गए 2 गलत गए, अपने 50-50 एक्यूरेसी है चलो समझो, लेकिन 2 गलत गए तो आपको कितना रिस्क आया, 5 या 6% का एक में आया, यानी 2 में समझो कि टोटल 12% का आपको स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन जो 2 स्टॉक रहेंगे, ये जो कोई भी 2 स्टॉक रहेंगे, एक स्टॉक समझो कि 15% गया है, कोई एक स्टॉक गया चलो 20% गया, तो एवरेज आपको लॉस नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ आप प्रॉफिट में ही रहोगे ऑल ओवर। तो इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत जरूरी है, इसीलिए अपने कम रिस्क के साथ मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ रहे हैं। मल्टीबैगर यानी अगर एक भी स्टॉक आपका काम कर गया, समझो कि ये स्टॉक 50% बढ़ गया आने वाले 2-3 महीने में, तो आपको सारा 3 स्टॉक का जो लॉस आया वो भी कवर कर सकता है। इसीलिए पूरे गेम है रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर ही है, कम रिस्क के साथ आपको कोई भी स्टॉक मिलता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो आपको रिस्क कितना है, 371 है और 355 है, कितना गैप है दोनों के बीच में, 16 रुपीज का गैप है, उतना आपको गैप मिल रहा है, लेकिन सामने आपको प्रॉफिट देखो 450 का रिटर्न मिल रहा है आपको, मतलब 450 371 से 450 यानी कितना हो गया, वो कम से कम 25% जितना रिटर्न हो गया। तो इसीलिए गाइज मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक होते हैं, आप उसको मिस मत करो। और अभी मैं चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जो आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हो, अगर मंडे को या कभी भी लेवल ब्रेक करे तो आप इसको अपने बाय कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें तो मैं लिख के देता हूँ कि बहुत ऊपर जाएगा। ये स्टॉक का नाम रहेगा गोकेक्स। गोकेक्स में क्या है, इसका पूरा नाम देखोगे तो गोकुल एक्सपोर्ट ऐसा कुछ नाम है, तो स्टॉक का नाम है गुड वॉल्यूम, गोकेक्स है, गुड वॉल्यूम एट ब्रेकआउट है देखो। लेकिन ये मैंने क्या कर दिया, इसको आवर्ली चार्ट में किया, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा आ रहा था इसलिए टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर दिया, क्योंकि देखो स्टॉक तो अच्छा है और आवर्ली चार्ट में आप वॉल्यूम देखो ये वाला कितने अच्छे से राइज किया है और अभी साइडवेज जा रहा है, यानी कि जिसने भी इसको बाय किया है इसको आप बोल सकते हो मदर कैंडल भी बोल सकते हो। देखो पूरे दिन स्टॉक ने क्या किया है, ये दोनों जो हाई और लो था उसके अंदर ये कैंडल बनी है, यानी मदर कैंडल भी बोल सकते हो। अगर स्टॉक ये मदर कैंडल के ऊपर ब्रेक करता है समझो, अगर फॉल्स होगा तो कल स्टॉक के नीचे ही आ जाएगा, तो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, तो उसके बाद अपने को देखना नहीं है।
हाँ गाइस, अगर स्टॉप लॉस हो जाता है, मैंने जो भी स्टॉप लॉस लेवल बताया वो पहले ट्रिगर होते हैं, तो वो फिर इनवैलिड सेटअप में काउंट हो जाएगा। तो गोकेक्स अगर 328 का लेवल किया है, 328 के ऊपर जाएगा तो आप इसको बाय कर सकते हो, और स्टॉप लॉस रहेगा 310 का रहेगा, टारगेट 350 और 380 का रहेगा। टाइम पीरियड कितना है, 1 से 30 दिन का, ट्रेल एसेल फॉर बेटर रिजल्ट, यानी आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओगे तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जैसे कि 328 पे आपने बाय किया, फिर 340 आया, तो स्टॉप लॉस को आप 310 पे मत रखो, फिर 328 पे लेके जाओ, फिर 350 गया, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ट्रेल करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। तो गाइज मैंने 4 स्टॉक बताए जो आप अपने वॉचलिस्ट में लगा सकते हो, मंडे से अगर ये लेवल जो बताए उसके ऊपर जाते हैं तो आप बाय करके एक अच्छे मतलब अच्छी रैली का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि 4 स्टॉक आप लिख के रखो। आज की तारीख 26 दिसंबर है, 1 महीने बाद देखना, आराम से ये स्टॉक में 10 से 15% की रैली दी होगी, अगर जो मैंने लेवल बताया उसके ऊपर गए होंगे तो। अदरवाइज अपना जो स्टॉप लॉस पहले आ जाएगा तो वो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और 4 स्टॉक का नाम फिर से मैं बता देता हूँ। पहले स्टॉक का नाम रहेगा कोठारी पेट्रोकेमिकल, दूसरा स्टॉक है रेडिको खेतान, तीसरा स्टॉक है काबरा एक्सट्रूशन, और चौथा स्टॉक रहेगा गोकेक्स। चारों में ट्रेडिंग करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हो गाइज। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल को जो लोग नए जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो गाइज कमेंट करके बता सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।